A very good evening to all of you. मेरा नाम है अमन. You're watching YT, your English tutor. Newspaper से English को एक खास अंदाज में easy बना करके सीखने का जो अपना सिलसिला है उसको आज जारी रखेंगे सुबह के second editorial के साथ, which is titled as Anarchy in Bolivia. आज आपके लिए एक छोटा surprise editorial में सरप्राइज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ. एक्चुअली सरप्राइज़ बताना नहीं चाहिए, सरप्राइज़ ये है कि जो लर्निंग आज के एडिटोरियल में आप लेने वाले हो वो एक्चुअली आप 3 दिन में लेते हो मेरे साथ. आज का एडिटोरियल फुल ऑफ लेसन्स है, हर लाइन के साथ, हर पैराग्राफ के साथ. तो बी फोकस्ड, प्रिपेयर योर नोट्स और शुरू हो जाएँ फटाफट से एडिटोरियल से सीखने के लिए. चलिए शुरू करते हैं. एनार्की इन बोलीविया. एनार्की, एनार्की क्या होता है? अराजकता बोलते हैं हिंदी के अंदर. जब सरकार फेल हो जाए, लोग एक दूसरे को मारने लगे, वायलेंस आने लगे कंट्री के अंदर, उसको कहते हैं एनार्की. तो कह रहे बोलीविया में हो गई है एनार्की, अराजकता. ये एनार्की के बहुत अच्छे सिनोनिम है दो तीन. क्या क्या? जैसे कि डिसऑर्डर. डिसऑर्डर तो बड़ा सिंपल सा है, देख के आप समझ जाओगे चीज़ें ऑर्डर से बाहर हैं. और दूसरा क्या? केओस. ये चाओस आपको देखने में लगता है चाओस, पर इसको बोला जाता है केओस. केओस का मतलब भी यही है, अराजकता. और एक बहुत अच्छा सिनोनिम इसका नहिलिज्म. ये आप बहुत बार एग्जाम में देखोगे नहिलिज्म, बहुत कम लोगों को मालूम होता है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. इसका मतलब भी यही होता है, अराजकता, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी. टाइटल पैराग्राफ देखते हैं, अपने को मालूम पड़े एडिटोरियल किस बारे में है. कह रहे बोथ मोरालिस एंड हिज ओपोनेंट्स फेल टू इंश्योर अ पीसफुल कॉमा ऑर्डरली ट्रांजिशन. बोथ कंजंक्शन है यहाँ पे, दोनों. अच्छा कौन दोनों? एक तो ये मोरालिस, ये एक आदमी का नाम है मोरालिस, और कौन? हिज ओपोनेंट्स. ओपोनेंट क्या होते हैं? दुश्मन, एडवर्सरी. उसके दुश्मन और मोरालिस जो दोनों लोग हैं ना, वो क्या हुए? फेल्ड. फेल होने का मतलब क्या है? नाकामयाब हुए. अच्छा किस काम में? टू लगा करके अक्सर आपको बताएगा मकसद क्या काम करने का था. कह रहे टू इंश्योर अ पीसफुल ऑर्डरली ट्रांजिशन, इंश्योर करने में. इंश्योर करना मतलब पक्का करना. और किसको? एक शांति भरे, पीसफुल और ऑर्डरली ट्रांजिशन को. ट्रांजिशन होता है चेंज. ट्रांजिशन होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप आते हो. जैसे बर्फ़ है ना, बर्फ़ पिघलती है ना, तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में ट्रांजिशन करती है. मैं हिंदी में नहीं बता पा रहा हूँ इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. ट्रांजिशन क्या होता है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आना. और ऑर्डरली मैंने अभी आपको बताया था, एनार्की का सिनोनिम है डिसऑर्डर. तो एनार्की का एंटोनिम हो गया ऑर्डर. तो मतलब ऑर्डरली, सलीके से, इन ऑर्डर, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है. यहाँ ट्रांजिशन से मतलब ये है कि एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट जब अपना वो क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ पावर करती है ना, उसकी बात कर रहा है ट्रांजिशन की. वो शांति से वहाँ नहीं हो पा रहा है. टाइटल पैराग्राफ को अपने अभी तोड़ेंगे, इसकी पार्सिंग करेंगे, आपको समझ में आए कौन सा वर्ड क्या काम कर रहा है. और यही तरीका है ग्रामर को सीखने का, हर वर्ड को जान लो उसका काम क्या. रोज़ मैं आपको बताता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, सेंटेंस को क्लियर करना हो तो आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, उसकी वर्ब ढूंढनी है, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसको ढूंढना है, और सब प्रपोजिशंस के बाद में इंश्योर करना है कि एक नाउन लगा हुआ है, प्रोनाउन लगा हुआ है या नहीं, हर प्रपोजिशन के बाद एक नाउन या प्रोनाउन. अब देखिए बोथ होती है कंजंक्शन. अब ये मुझे कैसे पता? कंजंक्शन से आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, आपको कंजंक्शन सीखनी पड़ेगी, कंजंक्शन का काम सीखना पड़ेगा, तब आपको मालूम चलेगा बोथ इज ए कंजंक्शन. तो बोथ इज ए कंजंक्शन, ये नाउन नहीं है. मोरालिस एक आदमी है, आदमी क्या होता है? नाउन. एंड क्या होती है? कंजंक्शन, दो नाउन्स को जोड़ने का काम करती है. तो ये मोरालिस और हिज ओपोनेंट्स, इन दोनों को जोड़ रही है. हिज मतलब उसका, बात कर रहे हैं मोरालिस की. इसको बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउंस, पजेसिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि इसके बाद में एक नाउन जरूर आएगा, ओपोनेंट नाम का नाउन इस हिज के बाद में लगा हुआ है. अब देखो बोथ मोरालिस एंड हिज ओपोनेंट्स, ये पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज है. ये पूरा का पूरा एक ही एंटिटी को डिनोट कर रहा है, क्योंकि इसके बाद में एक वर्ब लगी हुई है फेल नाम की. ये सब्जेक्ट जो है ना, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया, ये दोनों लोग. अच्छा ये वर्ब फेल, मेन वर्ब है. फेल के बाद में टू इन्फिनिटिव लगा हुआ है. इन्फिनिटिव के बाद में अगर वर्ब आए ना, तो मकसद बता रहा है वो इन्फिनिटिव आपको. तो टू इंश्योर, पक्का करने के लिए. वर्ब के बाद में उस वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे आ रहा है अ पीसफुल ऑर्डरली ट्रांजिशन. तो ये पूरा का पूरा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है. इंश्योर किसको करना है? इस पूरे के पूरे को, इसलिए पूरा ऑब्जेक्ट हो गया. अब यहाँ पे पीसफुल एडजेक्टिव है, ऑर्डरली भी एडजेक्टिव है, ट्रांजिशन नाउन है. ट्रांजिशन क्या होता है? चेंज. अब देखो दो एडजेक्टिव से एक ही नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं. कैसे? आप देखोगे पीसफुल ट्रांजिशन भी चाहिए और ऑर्डरली ट्रांजिशन भी चाहिए. तो दोनों एडजेक्टिव जब एक ही नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो दोनों के बीच में आप एंड लगाते हैं या कॉमा लगाते हैं, इसलिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है. अगर ये एडजेक्टिव इस ट्रांजिशन को मॉडिफाई नहीं कर रहा होता, इस ऑर्डरली ट्रांजिशन को मॉडिफाई कर रहा होता, समझो इन दोनों को, तो यहाँ पर मैं इस कॉमा को नहीं लगाता. इस तरह से आप पूरा सब्जेक्ट जो है, पूरा सेंटेंस, उसको तोड़ करके भी समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है. छोटी समरी आपको दे देता हूँ. ये मोरालिस नाम के आदमी है, मोरालिस, जो बोलीविया के प्रेसिडेंट रहे हैं 3 बार.
इन्होंने चौथी बार प्रेसिडेंट बनने की कोशिश की। एडिटोरियल ये बता रहा है कि इनके जब चौथी बार की प्रेसिडेंट बनने की इन्होंने जब कोशिश करी ना, तो इनके ओपोनेंट्स हैं कैसे इनको मिलिट्री के साथ मिलके बोलीविया से बाहर भगा दिया। अच्छे आदमी बताया इनको मोरालेस को, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए बोलीविया, वो बोलीविया दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज़ में से एक है। तो कह रहे मोरालेस अच्छे लोग थे, अच्छे इंसान थे इनके लिए। शुरू करते हैं एडिटोरियल को फटाफट से। द फोर्स रेजिग्नेशन ऑफ बोलीवियन प्रेसिडेंट इवो मोरालेस हैज थ्रोन द पुअरेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका इन टू इट्स बिगेस्ट पोलिटिकल क्राइसिस इन 13 ईयर्स। बड़ा सेंटेंस है, छोटे छोटे पीसेज अपने करेंगे। कह रहे द फोर्स रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन होता है त्याग देना, रेजिग्नेशन होता है अपना जो आप देते हो ना इस्तीफा, तो फोर्स रेजिग्नेशन था मतलब जबरन दिलवाया हुआ इस्तीफा। अच्छा किसका था, ऑफ प्रपोजिशन लगा के बता रहा है। ऑफ का मतलब क्या होता है, उसके बाद में आप पोजेशन बताओगे, किसी का राइट बताओगे, तो इस रेजिग्नेशन का राइट होगा ऑफ के बाद आने वाले नाउन या नाउन फ्रेज पे। अब ऑफ के बाद क्या आ रहा है, बोलीवियन प्रेसिडेंट इवो मोरालेस, तो ये बोलीविया के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है इवो मोरालेस। कह रहा हैज थ्रोन, इसने फेंक दिया हैज थ्रोन। अच्छा किसने फेंक दिया, अब आपके पास दो चॉइसेज हैं इसका सब्जेक्ट बनने के लिए, वो आपका फोर्स रेजिग्नेशन पहली चीज़ तो, और दूसरा बोलीवियन प्रेसिडेंट। अब देखो फोर्स रेजिग्नेशन इसका क्यों जो है इसका जो है सब्जेक्ट है, और ये क्यों नहीं है, ये ऑफ के बाद आ रहा है इसलिए ये इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफ के बाद आने के बाद ये ऑफ नाम के प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। जब ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया तो हमारे सब्जेक्ट का, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो हैज थ्रोन जो मेन वर्ब है उसका सब्जेक्ट है द फोर्स रेजिग्नेशन। तो इसने फेंक दिया किसको, द पुअरेस्ट कंट्री को, सबसे गरीब देश को इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, और कहां फेंका है, इन टू इट्स बिगेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस, इसके सबसे बड़े राजनीतिक सियासी संकट में, क्राइसिस में, आफत में, इन 13 ईयर्स, 13 साल के अंदर। तो 13 साल में सबसे खराब आफत अब आई है, राजनीतिक पॉलिटिकल क्राइसिस अब आया है। अब इस सेंटेंस की बारीकियां अपने देखते हैं फटाफट से। बोलीवियन प्रेसिडेंट, यहां पे बोलीविया प्रेसिडेंट भी तो हो सकता था ना, सेंटेंस करेक्शन का मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, तो बोलीवियन क्यों आएगा। देखिए बोलीविया प्रेसिडेंट मैं जब लिखूंगा तो दो नाउन मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे, एक्चुअल में मुझे एक एडजेक्टिव और एक नाउन चाहिए, क्योंकि ये जब एडजेक्टिव और नाउन जब साथ में जुड़ते हैं तो एक नाउन फ्रेज बनाते हैं वो, कैसे, जैसे इंडिया एक नाउन, और मैं इंडियन लिखूं तो मतलब इंडिया का, अब इंडिया का के बाद कोई चीज़ तो आनी चाहिए, जैसे इंडिया का आदमी, इंडिया की औरत, इंडिया के राष्ट्रपति, इंडिया का मोदी, तो यहाँ पे इंडियन प्रेसिडेंट लिखता तब मैं पूरी बात कर पाता, इसीलिए इसने बोलीवियन लिख करके बोलीविया का प्रेसिडेंट, समझ रहे मेरी बात को, बोलीवियाज लिखता या बोलीवियन लिखता तो तब आप जो है इसको जो इसको सही कर पाओगे, आप सही मान पाओगे, इसलिए यहाँ पे बोलीविया नहीं आया, बोलीवियन आया। दूसरी चीज द पुअरेस्ट कंट्री, देखिए पुअर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव्स आपको सीखने पड़ेंगे, कौन सी चीज़ नाउन है, कौन सी चीज़ एडजेक्टिव है, एक ट्रिक होती है मैं आपको बताऊंगा अभी। एडजेक्टिव जो है ना वो 3 डिग्रीज के अंदर होते हैं, एक होती है नॉर्मल, एक होती है कंपेरेटिव, एक होती है सुपरलेटिव। जैसे पुअर है ना, इसकी नॉर्मल पुअर होती है, इसकी कंपेरेटिव होगी पुअरर, से ज़्यादा पुअर, पुअरर मतलब कंपेयर करोगे आप किसी चीज़ से, इसलिए आप पुअरर के साथ में कंपेरेटिव डिग्री के साथ में हमेशा देन नाम का एक कंजंक्शन यूज़ करते हो। और तीसरी होती है सबसे गरीब, द पुअरेस्ट, इसकी खासियत ये होती है इसके बाद जो है आप द यूज़ करते हो, यहाँ पे इसी को यूज़ किया हुआ है। इन तीनों डिग्रीज को मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको फटाफट। ही इज़ पुअर, वो है गरीब, कंपेरेटिव डिग्री नहीं है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, सिंपल डिग्री है, ही इज़ पुअर। अब मैं कंपेरेटिव डिग्री यूज़ करता हूँ, ही इज़ पुअरर देन मी, वो मेरे से ज़्यादा गरीब है, तो देन नाम कंजंक्शन लगा के मैंने उसको और मुझको कंपेयर किया। अब यहां पे मैं पुअर लिखूंगा, पुअर नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे कंपेयर करना है, कंपेरेटिव डिग्री यूज करनी है। और तीसरी कौन सी डिग्री, द पुअरेस्ट, ही इज द पुअरेस्ट, आगे आप लिखना चाहो तो लिख दो, ऑफ ऑल या ऑफ अमंगस्ट ऑल ऑफ अस, सबसे ज्यादा गरीब है वो, तो यहां पे मुझे द लगाना है। एडजेक्टिव्स ही ऐसी चीजें जिनकी 3 डिग्रियां होती हैं, नाउन्स की, वर्ब्स की डिग्रियां नहीं होती हैं, इसलिए यहां पे द लगा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री के कारण। साउथ अमेरिका को आप लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। देखो आगे यहाँ पे, इट्स बिगेस्ट पॉलिटिकल क्राइसिस इन 15 ईयर्स, यहाँ पे बिगेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री, फिर भी इसके आगे हमने द यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे पूरे इसके आगे हमने द यूज़ किया हुआ है। रीज़न क्या है, बिगेस्ट जो है ऐसी सुपरलेटिव डिग्री है जिससे पहले एक पजेसिव नाउन आ रहा है, पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है, पजेसिव प्रोनाउन के बाद में जैसे कि इट्स, हिज, माई या आवर्स या आवर, इनके बाद में आप जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करें तो द को निकाल दें, इसलिए द बिगेस्ट नहीं लिखा, बिगेस्ट लिखा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बार बार रिपीट करवाता हूँ आपके दिमाग में अच्छे से घुस जाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज बोलीवियाज फर्स्ट इंडिजीनियस प्रेसिडेंट, की तरह बोलीविया के पहले इंडिजीनियस प्रेसिडेंट की तरह, इंडिजीनियस मतलब क्या होता है, लोकल, वहाँ का ही हो, जो वहाँ का बाशिंदा हो वहीं पर रहता हो, तो बोलीविया के पहले लोकल प्रेसिडेंट की तरह
कह रहा हु रोज टू द टॉप ऑफिस, जो रोज हुए, राइज की सेकंड फॉर्म है रोज, हु लगा इस प्रेसिडेंट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि उठ खड़े हुए कहाँ पे, टू द टॉप ऑफिस, टॉप ऑफिस की तरफ, टॉप ऑफिस कौन सा है वहाँ का, प्रेसिडेंटशिप, प्रेसिडेंट का ऑफिस, और कैसे खड़े हुए, थ्रू लेफ्ट विंग यूनियनिज्म। लेफ्ट विंग होता है, आपको मैंने बताया था, लिबरल या अनऑर्थोडॉक्स जो नए ख्यालों के हों वो होते हैं लेफ्ट विंग, और यूनियनिज्म होता है लेबर यूनियन या कोई ऐसी भी यूनियन आप बना करके जब आप सियासत करो तो आप करते हो यूनियनिज्म, जो कि लेफ्ट विंग नाम की आइडियोलॉजी के सहारा लेकर के और लेबर यूनियन का सहारा लेकर के ऐसे जो है खड़े हुए हैं सबसे टॉप ऑफिस के अंदर। अब देखो कॉमा लगा दिया यहाँ पे, कह रहा है ही प्रिसाइडेड ओवर वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट्स, उसने प्रिसाइड ओवर किया, प्रिसाइड ओवर करना मतलब देख रेख करना, सुपरवाइज करना, अपने जो है कमांड में लेना, और किसको लिया, दुनिया की सबसे स्टेबल गवर्नमेंट्स में से एक को, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट्स को, स्टेबल होती है स्थिर, स्टेबल होती है मजबूत, तो मजबूत सरकारों में से एक सरकारों को, सबसे मजबूत सरकारों में से। अब देखो द मोस्ट, ये मोस्ट जो है द, ये है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के आगे आप द देख रहे हो क्योंकि आपको लगाना होता है। अब इस सेंटेंस में देखने वाली एक ही चीज़ है इंडिजीनियस, नया वर्ड आपके लिए, इसका मतलब होता है डोमेस्टिक, वहीं का, आप इसको ओरिजिनल बोल लो, लोकल बोल लो, या एबोरिजिनल बोल लो, एबोरिजिनल मतलब लोकलाइट। इंडिजीनियस वर्ड को याद करने का तरीका मेरा क्या था, मेरे इसमें देखो इंडिया आ रहा है ना आगे, तो मैं यूं सोचता था जो इंडिया का हो वो इंडिजीनियस होगा, एक्चुअल में गलत है, इंडिजीनियस हर इंसान हर कंट्री के लिए यूज़ कर सकते हो आप, अमेरिका का लोकल होगा तो वहाँ के लोगों के लिए इंडिजीनियस होगा, इंडिया का लोकल होगा तो हम लोगों के लिए इंडिजीनियस होगा, पाकिस्तान का लोकल होगा तो पाकिस्तान के लिए इंडिजीनियस होगा। चलिए आगे बढ़ें, प्रिसाइड ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को सुपरवाइज करना, कंडक्ट करना, कमांड करना। प्रिसाइड ओवर बना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो प्रिसाइड ओवर करे वही प्रेसिडेंट है, समझ रहे हो मेरी बात को, प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, प्रिसाइड ओवर करने का, तो प्रिसाइड ओवर करने वाला, कमांड लेने वाला, कंडक्ट करने वाला किसी चीज़ को, वही होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, समझ गए मेरी बात को। आगे बढ़ते हैं, कह रहे बट क्रैक्स बिगिन टू अपीयर, जो क्रैक्स थी, क्रैक्स क्या होती है, हिंदी बोलते हैं दरार, डिस्प्यूट, झगड़ा, लेकिन जो झगड़ा था, दरार थी, वो बिगिन, शुरू हो गई, पास फॉर्म है बिगिन नाम की वर्ब की, सेकंड फॉर्म है, शुरू हो गई, अपीयर होना, दिखाई देना, इन हिज मूवमेंट, उसके इस मूवमेंट के अंदर, और मूवमेंट किस चीज़ के लिए थी, फॉर सोशलिज्म पार्टी, इस पार्टी के लिए। मूवमेंट क्या होता है, कोई आप मुहिम निकालते हो ना, मोर्चा निकालते हो, उसके मोर्चे के अंदर दरारें शुरू होने लगी। अच्छा कब होने लगी, ये वेन कंजंक्शन लगा के बताएगा, जब ही सॉट अ फोर्थ कंसेक्यूटिव टर्म, जब उसने मांगी, सॉट का मतलब क्या होता है, आप कोई चीज़ अपने मन में आ जाती है आपकी, मुझे तो ये चाहिए, मैं इसको लेके रहूँगा, तो आप करते हो उसको साइट, आप उसके ऊपर नज़र गड़ाते हो अपनी, तो जब उसने नज़र गड़ा दी, सॉट कर दिया, उसने इच्छा कर दी एक चौथी कंसेक्यूटिव टर्म की, तीन बार तो बन चुके थे प्रेसिडेंट, चौथी बार फिर बनना चाह रहे थे, तो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एंश्यूइंग बोल सकते हो। अच्छा अर्लियर दिस ईयर, इस साल की शुरुआत में, सिंपल सा सेंटेंस है, समझ गए होंगे आप इसको मेरे साथ। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव क्या होता है, देखो कौन मतलब साथ में, सीक्वेंस मतलब ऑर्डर, सीक्वेंस क्या होता है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, एक के बाद पांच नहीं आएगा, एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन आएगा, इसी कहते हैं ना सीक्वेंस, तो एक के साथ एक जब सीक्वेंस बने हैं तो उसको कहते हैं कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक, इस तरह से इस वर्ड को याद रखें, एडजेक्टिव होता है, और इसका सिनोनिम क्या होगा, सक्सेसिव या एंस्यूइंग, एंस्यूइंग बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम है इसका, याद रखें इसको। आगे बढ़ते हैं, टर्म आप जानते हैं, टाइम पीरियड, कह रहा है ही वॉज डिक्लेयर्ड विनर ऑफ द अक्टूबर 20 इलेक्शन, तो अभी अक्टूबर 20 में एक इलेक्शन हुआ है, और ही वॉज डिक्लेयर्ड, उसको डिक्लेयर किया गया, इसका विजेता, इसका विनर। अब इसमें देखने वाली एक चीज़ थी, वॉज डिक्लेयर्ड, पैसिव वॉइस है ये, क्यों पैसिव वॉइस है, बी फैमिली की आठ वर्ब्स हैं, उनमें से एक वर्ब, कोई भी एक वर्ब, उसके बाद में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस होता है। आठ वर्ब्स कौन सी हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बींग, बिन, नो हो गई, इन सब के बाद में अगर डिक्लेयर्ड या कोई भी वो आपकी थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस हो जाती है। अब देखो पैसिव वॉइस होता क्या है, आपको फिर से मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, जैसे मैं यूँ बोलूँ ही डिक्लेयर्ड द विनर, और दूसरा मैं बोलूँ जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही वॉज डिक्लेयर्ड द विनर, ये दो है ना जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों सेंटेंसेज के अंदर, जिन लोगों की इंग्लिश कमजोर है उनको लगते हैं एक जैसे सेंटेंस है ये। देखो ही डिक्लेयर्ड द विनर का मतलब है उसने एक विनर को डिक्लेयर किया, यहाँ पे पैसिव वॉइस नहीं है क्योंकि बी फैमिली की कोई भी वर्ब इस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नहीं लगी हुई तो ये एक्टिव वॉइस है। दूसरा सेंटेंस है ही वॉज डिक्लेयर्ड द विनर, ये पैसिव वॉइस है जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये पैसिव वॉइस होने के कारण इसका मतलब ये हुआ कि ही वॉज
उसको विनर डिक्लेयर किया गया। तो पहले केस में उसने विनर डिक्लेयर किया, वो खड़ा हुआ स्टेज पे, उसने बोला कि देखो ये आदमी विनर है, विनर जो है आपका विनर है। दूसरे केस के अंदर वो खुद विनर डिक्लेयर हुआ, वो कहीं नहीं खड़ा हुआ, उसको खड़ा किया और बताया कि आप विनर हो। समझ रहे मेरी बात को, एक्टिव और पैसिव का फ़र्क। अब इस एक्टिव का मैं पैसिव बनाना चाहूँ तो मुझे करना क्या है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, विनर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, डिक्लेयर यहाँ पे वर्ब है। सब्जेक्ट ने काम किया, काम ये हुआ, और काम जो है करना वाले वर्ब ये बता रही है। तो मुझे करना क्या है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है, विनर को बीच में स्पेस छोड़ दो, और सब्जेक्ट को लास्ट में ले आना है। ही का ऑब्जेक्टिव बना दो आप केस हिम, समझ गए मेरी बात को, और इससे पहले लगा देना बाय। अब बीच में आपको ये स्ट्रक्चर चूज करनी है, वाज डिक्लेयर लगाना है या वर्ड डिक्लेयर लगवाना है या इज डिक्लेयर लगाना है। तो देखो ये पास्ट टेंस है, तो पहली चीज़ तो आएगी वाज या आएगी वर, पहली चीज़ तो ये दोनों में से एक चीज़ आएगी, वॉज या वर, पास्ट में दो ही चीज़ आएगी। और प्लस में डिक्लेयर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना वो आएगी आएगी, डिक्लेयर्ड। समझ गए मेरी बात को, आपने इतना सेंटेंस बना लिया तो आपका सेंटेंस बन गया। अब वॉज और वर्ब में से एक चूज़ कर लो आप। देखो विनर जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, विनर सिंगुलर है ना, तो आप वर्ब नहीं ले सकते, आपको वॉज लेना है। ये बन गया इसका जो है पैसिव वॉइस। आप इस तरह से एक्टिव, सॉरी पैसिव बन गया, मैंने एक्टिव लिखा हुआ है, पैसिव। आप इस तरह से किसी का भी पैसिव बना सकते हो, आप टेंस और उसका सिंगुलैरिटी पता कर लो, आपका पैसिव बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभी इसकी अलग वीडियो आपको जरूर बना के दिखाऊंगा टाइम मिलते ही। अभी हैज़ बीन हैव बीन वाली वीडियो पे काम चल रहा है, आपको 11 दिन के अंदर वो वीडियो पब्लिश करके बताता हूँ हैज़ बीन और हैव बीन पे क्या फ़र्क होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट द अपोजिशन कंटेस्टेड द रिजल्ट्स, लेकिन जो अपोजिशन थी, जो विरोधी पार्टियाँ थी, उन्होंने कंटेस्ट कर दिया। कंटेस्ट करने का मतलब क्या होता है, आप जब भी किसी कॉन्टेस्ट में जाते हो तब लड़ाई करते हो, वहाँ झगड़ा करते हो, जीतने की कोशिश करते हो। तो कॉन्टेस्ट करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को अपोज करना। तो अपोजिशन ने अपोज कर दिया, अपोजिशन ने अपनी जो है डिसएग्रीमेंट बताया द रिजल्ट्स, नतीजों पे, और क्या कर दिया, लॉन्च्ड वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, लॉन्च कर दिया उन्होंने हर तरफ फैले हुए, वाइड मतलब बहुत दूर तक, चौड़ा, और स्प्रेड मतलब फैला हुआ, हर तरफ फैले हुए प्रोटेस्ट को। प्रोटेस्ट क्या होता है, धरना, प्रदर्शन, सिट इन। अब देखो इतना समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं, कोमा लगा हुआ है, कह रहा है डिमांडिंग अ फ्रेश इलेक्शन, ये किया कैसे, डिमांड करते हुए एक नए इलेक्शन को। अपोजिशन कह रही है गलत है, गलत है जो इन्होंने ईवीएम से छेड़छाड़ की है, जैसे अपने देश में बोलते हैं ना केजरीवाल, वैसे अपोजिशन कह रही है कि फिर से इलेक्शन करवाओ। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मतलब हर तरफ फैला हुआ। कल मैंने आपसे 2-3 सिनोनिम्स पूछे थे वाइड स्प्रेड के, ओमनीप्रेजेंट मैंने एक बताया था, प्रेवलेंट बताया था, एक आपसे पूछा था, बहुत लोगों ने जवाब दिया यूबीक्यूटस। यूबीक्यूटस मतलब क्या होता है, जो हर जगह हो, जैसा कि बिल्कुल ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं, दो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, सीखो इन वर्ड्स को, नोट करो। आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स अलेज्ड वाइड स्प्रेड वॉल फ्रॉड इन एन ऑडिट रिपोर्ट, आगे लगा दिया कॉमा, आफ्टर बाद में, किसके बाद में, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद में, और इसके क्या करने के बाद में, अलेज्ड वाइड स्प्रेड पोल, जब इसने अलेज किया, अलेज करने का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, किसी पे ब्लेम रखना, जब इसने अलेज कर दिया, ब्लेम कर दिया, क्या वाइड स्प्रेड पोल को। देखो वाइड स्प्रेड होता है, अभी आपको मैंने बताया बहुत बड़ा फैला हुआ, कह रहे बहुत ज़्यादा फैले हुए पोल मतलब इलेक्शन फ्रॉड को, और कहाँ पे, इन एन ऑडिट रिपोर्ट, एक ऑडिट रिपोर्ट में। इसके होने के बाद कह रहे द मिलिट्री फोर्स मिस्टर मोरालेस एंड हिज अलाइज टू रिजाइन, जो मिलिट्री है ना वहाँ की, उसने फोर्स कर दिया, फोर्स करना मतलब क्या होता है, किसी को जबरन कुछ काम करवाना, उसने धक्के से मिस्टर और मिस्टर मोराले और उसके अलाइज को, अलाइज कौन होते हैं, आपके सहयोगी, आपके एसोसिएट्स, उनको फोर्स किया रिजाइन करने के लिए कि आप जो है अपना इस्तीफा दे दो। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, अलाइज, अलाइज का मतलब होता है आपके दोस्त, आपके गठबंधन करने वाले, आपके एसोसिएट्स जो आपके साथ में हैं। अलाइज जो है ना, आपने बहुत बार वर्ल्ड वॉर टू अगर पढ़ी हो हिस्ट्री तो बार बार देखोगे अलाइज वर्सेस एक्सिस, मित्र देश वर्सेस धुरी देश, एक्सिस मतलब धुरी, अलाइज मतलब मित्र, तो ये मित्र और धुरी है ना वही अलाइज और एक्सिस है, अलाइज मतलब दोस्त। इन असाइलम इन मैक्सिको, देखिए मैक्सिको आप जानते हैं असाइलम होता है शरण, असाइलम होता है जो आपको कोई पनाह दे दे ना, उसको कहते हैं असाइलम। कह रहे पनाह लेते हुए मैक्सिको के अंदर, असाइलम के अंदर, मैक्सिको के अंदर, ही हैज़ वाउड टू फाइट द कू, उसने वाव किया है, हैज़ वाउड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वाव का मतलब होता है कसम खाना, वो कसम खा चुके हैं फाइट करने की इस कू को। अब ये कू क्या होता है, देखो लिखने में लिख रहे हैं आपको कूप, पर ये कूप नहीं है, ये कू होता है, कू
आ यहाँ जो पी देख रहे हो ना वो साइलेंट है यहाँ पे। देखो यहाँ पे वाव है एक वर्ब, वाव नाउन भी होता है वर्ब भी होती है। अगर मैं वाव को नाउन की तरह यूज़ मतलब करूँ तो मतलब कसम, और वाव को वर्ब की तरह यूज़ करूँ तो मतलब कसम खाना। ये वर्ब इसलिए है क्योंकि सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है, नाउन्स की कोई सेकंड फॉर्म नहीं होती, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो कह रहा है असाइलम में मैक्सिको के अंदर उसने वाव कर दिया, कसम खा दिया कि फाइट करेगा इस कू को। कू होता है रिबेलियन, जो आप म्यूटिनी बोलते हो ना, जो विद्रोह बोलते हो हिंदी के अंदर, इंसर्जेंसी, इसको बोलते हैं कू इंग्लिश के अंदर कू। अब एक देखने वाली चीज़ हो रहा है असाइलम, असाइलम के बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स दो तीन। सैंक्चुरी, शेल्टर, रेफ्यूज तो आप जानते हो, रेफ्यूज और शेल्टर तो आप जानते हो। सैंक्चुरी और हेवन, इन दोनों का मतलब क्या होता है, किसी को शरण देना, पना देना। अकॉर्डिंग टू द बोलिवियन कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू के हिसाब से, किसके, बोलीविया के कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के हिसाब से। अच्छा क्या कोमल अगर है, इफ प्रेसिडेंट स्टेप्स डाउन, अगर प्रेसिडेंट जो है वहाँ के वो स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करने का मतलब क्या है, नीचे आ जाना, अपने कदम नीचे रख देना, कुर्सी से हट जाना। अगर प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी को छोड़ देते हैं तो कोमा लगा कह रहा है द वाइस प्रेसिडेंट शुड टेक ओवर। वाइस प्रेसिडेंट को शुड मॉडल लगी हुई है, इसका मतलब क्या होता है शुड का, चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट को चाहिए क्या करना, टेक ओवर करना, चार्ज को ले लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर ले लेना। तो प्रेसिडेंट की जगह इसको बिठा देने का है, इसके जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। स्टेप डाउन, टेक ओवर, दो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स है, दोनों की मीनिंग आप मेरे साथ समझ गए हो। शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसमें खासियत क्या होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की, इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे टुक ओवर आता ना, और मैं आपसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछता तो आप यहाँ पे टुक ओवर को टेक ओवर आपको करना ही पड़ता। टेक होती है फर्स्ट फॉर्म, टुक होती है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म कभी भी नहीं लगती मॉडल्स के बाद में। द हेड्स ऑफ द सेनेट एंड चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज आर द अदर लीडर्स। कह रहे द हेड्स, हेड कौन होते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं सिरे के, हेड मतलब जो ऊपर के लोग, और किसके लोग, सेनेट के। सेनेट क्या होता है, इंडिया में बोलते हैं पार्लियामेंट, संसद, वहाँ पे बोलते हैं सेनेट। तो सेनेट के जो हेड हैं और कौन, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, देखिए हिंदी बोलते हैं डिप्टी, वो डिप्टी कलेक्टर साहब हैं, वो डिप्टी को कि अपने जो इंग्लिश में बोलते हैं डेप्यूटी। तो डेप्यूटी का मतलब क्या है, असिस्टेंट, और चैम्बर होता है कमरा। तो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज का मतलब है डेप्यूटी लोग सारे के सारे जब एक कमरे में इकट्ठे हो जाएं। हिंदी में बोलेंगे आप इसको मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल गढ़, जो आपके मंत्रिमंडल होता है ना पूरा किसी उसका। तो कह रहे जो हेड ऑफ सेनेट है और जो मंत्रिमंडल है वो अदर लीडर्स हैं, दूसरे लीडर हैं, किस में, हायरार्की में। हायरार्की क्या होती है, ऊपर से नीचे की मैनेजमेंट, जैसे ऊपर प्रेसिडेंट, फिर नीचे प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके नीचे सेक्रेटरी, फिर उसके नीचे ये वाला नेता, फिर उसके नीचे ये वाला मंत्री। तो इस तरह को इसको जो आप सिस्टम कहते हैं हायरार्की। तो ये जो दोनों है ना, हेड्स ऑफ सेनेट और मंत्रिमंडल, डेप्यूटी ऑफ जो चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, ये हायरार्की के अंदर हैं। कह रहा हु कुड अज्यूम, जो कि अज्यूम कर सकते हैं। अज्यूम करना का मतलब क्या है, अभी आपने देखा टेक चार्ज या टेक ओवर, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, किस चीज़ की, एक्टिंग प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी होती है प्रेसिडेंट की कुर्सी, एक्टिंग मतलब जो वास्तव में हो, प्रैक्टिकली हो। तो ये दोनों लोग भी है ना, ये चाह करके अगर चाहें तो अज्यूम कर सकते हैं इनमें से कोई भी इंसान प्रेसिडेंसी को, प्रेसिडेंट की कुर्सी को। अब देखो इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, हायरार्की मैंने आपको बता दिया, ऊपर से नीचे की मैनेजमेंट का स्टाइल, उसको कहते हैं हायरार्की। हायरार्की में बहुत है ना देखने वाली चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है हायरार्की की स्पेलिंग। आप हायरार्की को ऐसे भी लिखोगे, बहुत लोग देखोगे हायर, जो आपने पहले हायर लिख दिया फिर उसके बाद आर्की लिख दी, नेचुरल है ना, हायर ऐसे लिखा जाता है उसके बाद आर्की अगर आया आप ऐसे इसको लिख डालोगे। अच्छा ये तो आप ज़रूर ही लिखोगे, हायर भी एक वर्ड होता है, किसी को किराए पर लेना, HIRE, आप किसी को रेंट पर हायर करते हो, टैक्सी को, कैब को, तो हायरार्की को आप ऐसे भी लिखते हो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही इसकी स्पेलिंग है HIERARCHY, जब भी आएगी जो आपके एग्जाम में, अगर आपने नहीं देखी हुई ना तो आप इन दोनों में से कोई एक लिख करके आने वाले हो, नोट करें स्पेलिंग को हायरार्की की। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट इन दिस केस, लेकिन इस केस में ऑल फोर ऑफिशियल्स, चारों के चारों ये ऑफिशियल्स, ऑल सोशलिस्ट, जो कि हैं सोशलिस्ट भी, हैव रिजाइंड, रिजाइन कर चुके हैं। तो ये हेड ऑफ द सीनेट और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, ये चार लोग थे, ये चारों के चारों रिजाइन कर चुके हैं, अपना इस्तीफा दे चुके हैं। कह रहा एंड इट हैज़ लेफ्ट अ वैक्यूम, और इसने लीव कर दी है, हैज़ लेफ्ट मतलब लीव की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, हैज़ के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई काम हो चुका है, और ये लेफ्ट कर चुका है, छोड़ चुका है एक वैक्यूम को, वैक्यूम होता है ब्लैंक स्पेस, निर्वात बोलते हैं हिंदी में, विच द मिलिट्री कुड एक्सप्लॉइट, जिसको जो मिलिट्री है कर सकती है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या है, फायदा उठाना, एडवांटेज लेना। अब देखो इस सेंटेंस में दो तीन बारीकियां हैं, मैं वो बताता हूं फटाफट। पहली चीज तो वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, ब्लैंक स्पेस, इसके एक सिनोनिम है वॉइड।
दूसरी चीज़, वैक्यूम की स्पेलिंग बहुत अलग है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग है, दिखाऊं कैसे आपको? देखो, वैक्यूम को कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, फिर हो सकता है कुछ लोग डबल सी यू एम लिख दें, पर एक वैक्यूम एक ऐसी स्पेलिंग है इंग्लिश की अकेली जिसमें डबल यू आता है। डबल यू आप कहीं नहीं देखोगे, किसी भी स्पेलिंग में नहीं देखोगे, मेरे ख्याल से कोई भी स्पेलिंग नहीं होती, वैक्यूम की स्पेलिंग ऐसी है। आगे एग्जाम में तो आप गलत लिखने वाले हो, नोट करें स्पेलिंग वैक्यूम की। दूसरी चीज़, एक्सप्लॉइट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, एडवांटेज उठाना, किसी का फ़ायदा उठाना। इसके आगे क्यों लिखा है, कुड लगाया है इसने। देखो, बात कर रहे हैं फ्यूचर की, फिर भी हम लगा रहे हैं कुड, आप समझो मेरी बात को। चारों ऑफिशियल ने रिजाइन कर दिया है और मिलिट्री ही हो सकता है एक्सप्लोइट कर दे फ्यूचर के अंदर, फिर भी आप लगा रहे हो कुड को। कैन वर्सेस कुड का एक कॉन्सेप्ट है अपने आप में, इस एडिटोरियल में मैं नहीं ले पाऊंगा, आप मुझे बताएं हैज हैव बीन की वीडियो के बाद में कैन वर्सेस कुड की वीडियो बना करके आपको अलग से समझा दूंगा। अगर कन्फ्यूजन आपको तो मुझे बताएं कमेंट्स में, नेक्स्ट वीडियो इसी की होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मोरालेस केम टू पावर इन 6, मिस्टर मोरालेस आए जो पावर में सत्ता के अंदर 2006 में। अच्छा, कैसे आए? राइडिंग साउथ अमरीका सो कॉल्ड पिंक टाइट, राइड करते हुए। देखिए, राइड करने का मतलब क्या होता है, आप सवारी करते हो ना किसी चीज़ के ऊपर, तो आप राइड करते हो उसको। तो ये जो है ना, एक टाइड के ऊपर, एक लहर के ऊपर सवारी करते हुए आए, मतलब फ़ायदा उठाते हुए आए ये, तो राइड करते हुए आए एक पिंक टाइड को जो कि सो कॉल्ड था। अब सो कॉल्ड क्या होता है, सो कॉल्ड का मतलब है ऐसा कहा जाता है, सब जिसको इस नाम से पुकारते हैं सो कॉल्ड। और सो कॉल्ड क्या है, ये पिंक टाइड। पिंक टाइड होता है जब आप लेफ्ट की तरफ मुड़ जाओ, जब आप लिबरल विचारधारा की तरफ, आइडियोलॉजी की तरफ मुड़ जाओ राइट विंग से। तो लैटिन अमेरिका में अभी ये टाइड चल रहा है लिबरलिटी का, तो उस टाइड के ऊपर राइड करते हुए 2006 के अंदर ये पावर में आए। और कैसे आए, एंड प्रॉमिसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रॉमिस करते हुए। देखो, एक तो राइड करते हुए इसके ऊपर, और दूसरा प्रॉमिस करते हुए, दोनों आईएनजी फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हुआ दोनों तरफ, समझ रहे हो मेरी बात को। तो राइडिंग और प्रॉमिसिंग, यहां पे प्रॉमिस आता तो गलत हो जाता है, तो प्रॉमिस करते हुए एक आर्थिक डेवलपमेंट का, और इक्विटेबल। इक्विटेबल क्या होता है, जो बराबर हो, सबके लिए निष्पक्ष हो, इक्वल एंड फेयर को आप एक वर्ड में बोल सकते हो इक्विटेबल। वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन को, वेल्थ मतलब पूंजी पैसा, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, कह रहा सब में बराबर पैसा होगा, इस वादे के ऊपर वो आ गया है। इक्विटेबल को आप इक्विटेबल लगता होगा आपको बोलने में, पर इक्विटी नहीं बोलते हैं, इसको इक्विटी बोलते हैं, इक्विटेबल। आगे बढ़ें, अंडर दिस फेयर हियर हिज फेयरली गुड ट्रैक रिकॉर्ड, अंडर के नीचे हिज उसके, फेयरली मतलब अच्छे से, और गुड मतलब अच्छा। देखो, गुड ट्रैक रिकॉर्ड मतलब अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, और फेयरली मतलब गुड ट्रैक रिकॉर्ड का भी और अच्छा बता रहा है, कह रहा उसके काफ़ी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के नीचे हुआ क्या, बोलीविया हैज सीन अ ड्रॉप इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। बोलीविया देख चुकी हैज सीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ड्रॉप होता है डिक्लाइन, कमी। बोलीविया कमी को देख चुका है किसके अंदर, एक्सट्रीम पॉवर्टी में, बहुत ज़्यादा गरीबी के अंदर। और कैसे, फ्रॉम 33% ऑफ पॉपुलेशन इन 6 टू 15% लास्ट ईयर, तो 2006 में 33% लोग एक्सट्रीमली पॉवर थे, अभी 15% ही है, इसके राज में ऐसा हुआ है। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, इसके दो तीन वन वर्ड्स हैं, तीन नहीं बल्कि चार हैं, जिन चारों वर्ड्स का मीनिंग यही होता है, बहुत ज़्यादा गरीबी। इंडिजेंस, पेनिवरी, डेस्टिट्यूशन, एब्जेक्शन। एब्जेक्शन की जगह मैं इसको एक्चुअल में मुझे ये लिखना चाहिए, एब्जेक्ट पॉवर्टी, एक्सट्रीम को आप एग्जैक्ट भी लिख सकते हो। तो ये चारों जो है ना, ये एक्चुअली वन वर्ड नहीं है, फ्रेज ही है, ये तीन वन वर्ड्स हैं, इंडिजेंस, पेन्यूरी और डेस्टिट्यूशन। तीनों का मतलब ये है, बहुत ज़्यादा गरीबी, जब आपको खाने के लिए मतलब कुछ भी ना हो, मिट्टी खा रहे हो आप, उसको कहते हैं एब्जेक्शन, डेस्टिट्यूट और पेन्यूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज गवर्नमेंट ऑल्सो स्टेप्ड अप पब्लिक इन्वेस्टमेंट, उसी गवर्नमेंट ने ऑल्सो साथ ही साथ स्टेप अप किया। स्टेप अप करना का मतलब क्या होता है, आप नीचे खड़े हो, एक सीढ़ी ऊपर आ जाओ तो आप क्या स्टेप अप कर जाओगे, तो उसी गवर्नमेंट ने एक सीढ़ी ऊपर लेकर के आई, लेवल को इंक्रीज कर दिया, किसकी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट का। और क्या करा, ओपन मोर स्कूल्स। देखो, स्टेप्ड अप वर्ब की सेकेंड फॉर्म, स्टेप की स्टेप्ड, ओपनड मोर स्कूल, ओपनड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब आप जो सारे काम जो बताएगा ना, ये किस टेंस में रखेगा, ये सेकेंड फॉर्म में रख रहा है, तो सबके सब सेकेंड फॉर्म में रखेगा। खोल दिए और स्कूल्स, और क्या खोल दिए, हेल्थ क्लिनिक्स, जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोल दिए इसने। कह रहा है द इकॉनमी हैज़ ऑल्सो सीन अ स्टडी ग्रोथ, इकॉनमी ने, अर्थव्यवस्था ने, हैज़ सीन, बीच में लगी हुई एडवर्ब ऑल्सो, ऑल्सो को निकाल दो, मतलब साथ ही साथ, ऑल्सो का मतलब साथ में, इकॉनमी देख चुकी है साथ ही साथ
एक स्टेडी ग्रोथ को। स्टेडी क्या होती है? जो लगातार बनी रहे। वो कछुए खरगोश वाली कहानी सुनी होगी आपने, उसकी मॉरल ये होती है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जो धीमा चलता है और लगातार चलता है वो रेस को जीतता है। स्टेडी का मतलब क्या होता है? एकदम लगातार, कंसिस्टेंट। कह रहा है मिस्टर मोरालेस मेड सम मेजर पॉलिटिकल मिस्टेक्स। मिस्टर मोराले ने मेड की बनाई क्या? कुछ मेजर बड़ी बड़ी सियासी गलतियाँ, कुछ बड़ी बड़ी सियासी गलतियाँ भी इन्होंने की एज वेल, साथ ही साथ। अब देखो बताएगा क्या क्या है वो। प्राइमरली ही फेल टू ब्रिंग अप अ सेकेंड रंग लीडरशिप इन मूवमेंट फॉर सोशलिज्म। प्राइमरली मतलब मेजरली, मेनली सबसे बड़ी चीज़ बताएगा ये, प्राइमरली एडवर्ब है। कह रहा है ही फेल्ड, वो नाकामयाब रहा क्या करने में, टू के बाद में वर्ब लगी हुई है, तो मतलब कुछ मकसद बता रहा है। ब्रिंग अप करने में, ब्रिंग अप होता है किसी चीज़ को ऊपर लाना, इंट्रोड्यूस करना। सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है वो फेल रहा इंट्रोड्यूस करने में, ब्रिंग अप करने में एक सेकंड रंग लीडरशिप को। लीडरशिप होती है आप जो लीडर होते हो ना, लीडर की जो काम होता है उसको कहते हैं लीडरशिप, नेतागिरी। और सेकंड रंग होता है एक सीढ़ी ऊपर या एक सीढ़ी नीचे। अभी मैं आपको बताऊंगा सेकंड रंग का कॉन्सेप्ट। वो नाकामयाब रहा खड़ा करने में एक नई सीढ़ी की, लीडरशिप की एक नई सीढ़ी को इस मूवमेंट में, इस मोर्चे में, वो जो था सोशलिज्म के लिए। इतना समझ गए मेरे साथ? अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे टू हूम ही कुड पास द बैटन ऑफ हिज 21st सेंचुरी सोशलिस्ट रिवोल्यूशन। ये सेकेंड रंग लीडरशिप की बात कर रहा है। कह रहा है टू हूम, जिसको ही कुड पास, वो पास कर सकता था बैटन को। बटन होती है मशाल, और किस चीज़ की मशाल? उसकी 21वीं सेंचुरी की सोशलिस्ट रिवोल्यूशन की। रिवोल्यूशन होती है क्रांति, रिवोल्यूशन होता है कुछ नया। सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं फिर से पूरा सेंटेंस बताता हूँ, फिर इसकी बारीकियाँ बताऊँगा। सबसे मेजर काम ये रहा, वो फेल रहा खड़ा करने में एक नए दर्जे की सेकंड रंग लीडरशिप को उसके इस मोर्चे में जो था सोशलिज्म के लिए। अब ये सेकंड रंग लीडरशिप की बात कर रहा है, कह रहा है कि जिसको, टू हुम, वो पास कर सकता था मशाल उसकी 21वीं सदी के सोशलिस्ट रिवोल्यूशन की। जो रिवोल्यूशन उसने चलाया आगे, उसको मशाल पास ऑन कर सकता था। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है? ब्रिंग अप आपने मेरे साथ देख लिया, सेकंड रंग क्या होता है? देखिए सीढ़ी होती है ना, आप सीढ़ी के अंदर एक पांव होता है उसका, एक स्टेप होता है, दूसरा पांव होता है, दूसरा स्टेप होता है, तो स्टेप्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं रंग। सेकंड रंग मतलब दूसरा स्टेप। अब ये दूसरा स्टेप अगला भी हो सकता है, पिछला भी हो सकता है। सेकंड रंग का मतलब एक स्टेप ऊपर भी हो सकता है, एक स्टेप नीचे भी हो सकता है। आप दोनों तरीके से इस वर्ड को, इस फ्रेज को यूज़ करते हैं। सेंटेंस में आपको देखना है किस तरीके से यूज़ किया है। तो सेकंड रंग का मतलब इसको एक स्टेप आगे, मतलब नई जनरेशन के लिए यूज़ करना है। तो नई जनरेशन नहीं खड़ी कर पाया वो लीडरशिप के अंदर, पहली चीज़। दूसरा, टू के बाद होम लगा है, हु भी तो लग सकता था। कॉन्सेप्ट मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस करके बता चुका हूँ। होम ऑब्जेक्टिव की तरह यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट की तरह, हु सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। प्रेपोजिशंस के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, विद, टू, कोई भी प्रेपोजिशन हो, बाय, इनके बाद में आप हु लगा ही नहीं सकते हो, होम ही लगाना है आपको, समझ गए। कुड पास, अब देखो फ्यूचर की बात है फिर भी कुड लगा रहा है। कैन वर्सेस कुड का एक आप पूरा अपने आप में कॉन्सेप्ट है, जरूर बताऊंगा आपको अलग से एक वीडियो में। बैटन होती है मशाल, जब आप रिले रेस करते हो, एक खिलाड़ी भागता हुआ दूसरे खिलाड़ियों को एक मशाल देता है ना, उसके हाथ में एक छड़ी देता है, उसको कहते हैं बैटन। तो ये बैटन नहीं दे पाए, छड़ी नहीं दे पाए, आगे बढ़ते हैं। इन 16 हिज पुश टू एंड प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट्स। 2016 में हिज पुश, पुश क्या होता है? दबाव। किसी काम के लिए आप जब जोर लगाते हो ना, तब पुश करते हो। 2016 में जो उसने पुश किया, क्या करने के लिए? एंड करने के लिए प्रेसिडेंशियल टर्म की लिमिट्स को। वहाँ लिमिट थी 3 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट आप नहीं बन सकते, तो ख़त्म करना था उसको, प्रेसिडेंट बनने की टर्म की लिमिट्स को। और उसका जो पुश था, कह रहा है, और कैसे किया उसने पुश? थ्रू अ रेफरेंडम, एक रेफरेंडम के, रेफरेंडम बताया मैंने आपको, जनमत संग्रह, उसके थ्रू। रेफरेंडम होता है जब आप पब्लिक से वोट मांगते हो किसी इश्यू के ऊपर, सरकार बोलती है आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रेफरेंडम। तो 2016 में उसने रेफरेंडम के जरिए अपने प्रेसिडेंशियल टर्म की लिमिट को एंड करने का जो पुश था वो हो गया फेल। उसने पब्लिक ने बोल दिया नहीं चाहिए हमें 3 बार से ज़्यादा। कह रहा है ही देन सेड, उसने तब कहा, ही एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट करता था, द वर्डिट, वर्डिट होता है फाइनल फैसला। वर्डिट मैंने आपको बताया ना, गली, फाइनल रिजल्ट, डिक्री, रूलिंग, और या एब्जुडिकेशन, एक सेकंड, एब्जुडिकेशन बहुत अच्छा सिनोनिम है इसका। इन सब का मतलब क्या होता है? फाइनल फैसला। कह रहा है बट लेटर, लेकिन बाद में, अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लिफ्टेड द टर्म लिमिट्स। एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने, संवैधानिक कोर्ट ने लिफ्ट कर दिया, मतलब हटा दिया टर्म की लिमिट्स को। तो पहले तो ये खुद पब्लिक से चाह रहा था, वहाँ पे बाद में कोर्ट ने हटा दी इस लिमिट को। कह रहा है अलाउइंग द प्रेसिडेंट टू सीक री इलेक्शन, अलाउ करते हुए, इजाज़त देते हुए इस प्रेसिडेंट को सीक करने के लिए, देखने के लिए, मांगने के लिए, आशा करने के लिए एक री इलेक्शन की, फिर से इलेक्शन की। तो बाद में तो एक कोर्ट ने खुद ही हटा दिया, ये पहले पब्लिक से मांग रहा था। कह रहा है हिज
दिस हैड गैल्वनाइज द ऑपोजिशन. अब देखो गैल्वनाइज आपको समझना पड़ेगा, गैल्वनाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप स्टिम्युलेट कर दो, भड़का दो, आग लगा दो, उंगली कर दो, उसको कहते हैं गैल्वनाइजेशन. तो कह रहा है दिस, ये जो ऊपर हुआ ना दिस, इसने हैड गैल्वनाइज, पास्ट परफेक्ट टेंस, कोई काम हो चुका था, कह रहा है ये गैल्वनाइज कर चुका था ऑपोजिशन को. गैल्वनाइज करना मतलब भड़का चुका था ऑपोजिशन को. कह रहा है विच क्लेम्ड, अब ये विच किसके लिए आया, रिलेटिव प्रोनाउन है, ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं, इस प्रोनाउन से जस्ट पहले, कॉमा से पहले जो एंटीसीडेंट आए उसके बारे में कुछ बता रहे. तो कह रहा है जिसने क्लेम किया ऑपोजिशन ने, दैट वो ये कि द प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इटसेल्फ वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. जो प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन था वो इट्सेल्फ अपने आप में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था. अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं था, असंवैधानिक था. देखिए इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन क्या होता है, इलेक्टोरल होता है रिलेटेड टू इलेक्शन, और पार्टिसिपेशन होता है भागीदारी. मतलब इलेक्शन जो प्रेसिडेंट है उसका खुद ने जो वोट डाला, ये जो वोट डालने का काम था इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन था, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था. वोट पड़े होंगे वहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के द्वारा, उसमें प्रेसिडेंट ने भी वोट डाला होगा, तो ऑपोजिशन ने बोल दिया गलत वोट डाला इन्होंने. अब देखो यहाँ पे इटसेल्फ क्या है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फेटेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज पे इंफोसिस दे रहे हो, इसलिए आप जो है आप यहां पे इटसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ लगाते हो. जैसे मैं बोलूं मैंने ये किया है तो मैं क्या बोलूंगा, आई डिड इट. पर मैं ऐसा बोल दूं ना आई माईसेल्फ डिड इट या आई डिड इट माईसेल्फ, आप यहां भी लगा सकते हो लास्ट में माईसेल्फ को, उसका मतलब क्या है, मैंने खुद ने ये किया, किसी ने मुझे हेल्प नहीं की, आप जोर दे रहे हो इस बात पे. तो ये यहां कहना चाह रहा है प्रेसिडेंट्स इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इटसेल्फ ये अपने आप में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था. कह रहा है दिस वॉज फॉलोड बाय एलिगेशन ऑफ इलेक्ट्रल फ्रॉड. अब उस ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, पैसिव वॉइस बनी हुई है, वॉज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. कह रहा है इसके बाद क्या हुआ, दिस वॉज फॉलोड, ये किससे फॉलो हुआ, एलिगेशन से, उन ब्लेम से जो इलेक्ट्रल फ्रॉड के थे, इलेक्शन के अंदर फ्रॉड के थे. कह रहा है विच फर्दर वीकेंड हिम, जिसने आगे और आगे इसको हिम कमज़ोर बना दिया. बाद में उसके इलेक्शन के ऊपर भी सवाल खड़े हुए, उन सवालों ने इसको कमज़ोर बना दिया. फेसिंग प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट को, धरने को फेस करते हुए मिस्टर मोरालेज हैड ऑफर्ड अनदर इलेक्शन. मिस्टर मोरालेज जो है ना हैड ऑफर्ड, वो ऑफर भी कर चुके थे एक दूसरे इलेक्शन को, पास्ट परफेक्ट टेंस, कुछ काम कर चुके थे. कह रहा है दैट शुड हैव बीन द वे फॉरवर्ड. अब देखो पहली आपकी सीख आती है स्ट्रक्चर की, शुड हैव बीन, दैट ये हो चुका होना चाहिए था आगे का रास्ता, वे फॉरवर्ड. अब ये हो चुका होना चाहिए था, शुड हैव बीन, ये बना कैसे है. देखो शुड होती है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, आपको मैंने इसका मीनिंग अभी बताया था ऊपर, चाहिए. हैव प्लस में बिन प्लस में नाउन एडजेक्टिव आ जाए, ये अलग वीडियो बना रहा हूँ हैव बिन पे. इसका स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बना हुआ है, कुछ काम हो चुका होना. हैव या हैज प्लस में बिन प्लस में नाउन या एडजेक्टिव, अब इन दोनों को जोड़ दो आप, चाहिए और कुछ हो चुका होना, तो इन दोनों को जोड़ दो क्या बनेगा, हो चुका होना चाहिए. समझ गए मेरी बात को, सिंपल स्ट्रक्चर है. कह रहा है ये हो चुका होना चाहिए क्या, आगे का रास्ता, जो इसने बोला था ना वही आगे का रास्ता हो चुका होना चाहिए था. आगे का रास्ता मतलब इलेक्शन. आगे कह रहा है अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बीइंग हेल्ड अंडर द सुपरविजन. फ्री एंड फेयर, ऊपर आपने देखा था इक्विटेबल, अनबायस्ड बोल दो आप. कह रहा है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर या इक्विटेबल इलेक्शन है ना, बीइंग हेल्ड जो कि रखा जा रहा है अंडर द सुपरविजन, सुपरविजन के नीचे किसकी, ऑफ लगा के बता रहा है, इंटरनेशनल इलेक्ट्रल मॉनिटर्स, दुनिया भर के इलेक्ट्रल मॉनिटर्स की कोई एजेंसी होगी इसके नीचे. कह रहा है वुड हैव अलाउड द बोवेलियंस टू चूज देयर लेजिटिमेट लीडर. इसने अलाउ किया हो चुका होना या इसने अलाउ किया चुका होता बोलिवियंस को चूज करने में उनके सही लेजिटिमेट लीडर को. देखो अब दूसरी स्ट्रक्चर आ गई इसी सेंटेंस के अंदर, ऊपर आया था शुड हैव बीन, अब आ गया वुड हैव अलाउड. अब देखो वुड प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म. वुड मॉडल है, इसका मतलब होता है होता. शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए. वुड का मतलब क्या होता है, मतलब होता. हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हो चुका होना. जैसे कि ऊपर आया था हैव बिन, बी भी तो वर्ब की, बिन भी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना. तो होता प्लस में हो चुका होना, इन दोनों को जोड़ दो. तो वुड हैव बिन मतलब हो चुका होता. समझ रहे मेरी बात को, ऐसी बनी है स्ट्रक्चर. तो कह रहा है ये जो इलेक्शन फ्री एंड फेयर है जो कि रखा जा रहा है इसकी सुपरविजन में, ये हो चुका होता क्या, ये अलाउ कर चुका होता बोलिवियंस को चूज करने के लिए अपने सही लेजिटिमेट लीडर को. लेजिटिमेट कौन होता है, जो लीगली और मॉरली सही हो. कह रहा है बट, लेकिन द वायलेंट प्रोटेस्ट
protesters who insisted on Morales' resignation. लेकिन जो आक्रामक violent मतलब full of violence और protester मतलब प्रदर्शनकारी धरना देने वाले who insisted on जिन्होंने insist on किया insist के साथ में आप on लगाते हो on लगा के आप बताते हो किस चीज़ पे insist किया तो जो आक्रामक जो धरना देने वाले थे प्रदर्शन करने वाले थे जिन्होंने जोर भी दिया insist किया मोराले के resignation पे और किसने the police forces who rebelled against the government जो पुलिस की फोर्सेस थी जिन्होंने रिबेल कर दिया रिबेल करने का मतलब क्या होता है किसी के खिलाफ बगावत कर देना और किसके खिलाफ अगेंस्ट गवर्नमेंट और क्या हुआ एंड फाइनली द जर्नल्स हु फोर्स द प्रेसिडेंट और आखिरकार जो जर्नल्स थे जिन्होंने फोर्स कर दिया प्रेसिडेंट को टू गो जाने के लिए कह रहा ऑल डिस्ट्रॉयड द पॉसिबिलिटी अब देखो ये ऑल किसके लगाया है समझो इस सेंटेंस को इन सब चीज़ों ने पहली चीज ये दूसरी चीज ये तीसरी चीज़ ये और ये हुआ क्या टू गो जाने के लिए इन सब ने ऑल ने डिस्ट्रॉय कर दिया उस पॉसिबिलिटी को उस जो है पॉसिबिलिटी आप जानते हैं ना किसी चीज़ की संभावना को किसकी अ पीसफुल ट्रांजिशन एक शांति से होने वाले चेंज की ट्रांजिशन की अब शांति से वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते दे थ्रू बोलीविया इनटू अनार्की एंड केओस उन्होंने फेंक दिया बोलीविया को अंदर अनार्की के अराजकता के और केओस के अराजकता के केओस मैंने आपको बताया था अनार्की का सिनोनिम होता है आप इसको डिसऑर्डर भी बोल सकते हो और निहिलिज्म भी बोल सकते थे यहाँ एंड मोर वायलेंस कुड बी अवेडिंग द कंट्री और भी वायलेंस जो है ना और भी मारकाट है हिंसा है हो सकता है अवेट कर रही हो इंतजार कर रही हो इस देश का कंट्री का कुड बी अवेटिंग फटाफट देख लो स्ट्रक्चर को तीसरी मॉडल आ गई कुड कुड का मतलब है हो सकता है बी अवेटिंग मतलब वेट कर रही कुड बी अवेटिंग मतलब हो सकता है वेट कर रही हो समझ गए बात को और वायलेंट वायलेंस जो है हो सकता है वेट कर रही हो इस कंट्री को थोड़ा सा अच्छे लेवल का एडिटोरियल था कई नई स्ट्रक्चर आपने मेरे साथ देखी कुड हैव बीन प्लस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और कुड बी प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म कुछ नए वर्ड्स भी आपने मेरे साथ सीखे आई होप कि आप इनके नोट्स बनाएंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन स्ट्रक्चर्स को वर्ड्स को इनकाउंटर करेंगे ये नोट्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए यही तरीका इंग्लिश को सीखने का फिर मुलाकात लूँगा कल सुबह की वीडियो के साथ अच्छी लगी हो तो लाइक दें नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक दें बिंदास अपना ओपिनियन बताएं साथ में क्यों अच्छी लगी और क्यों अच्छी नहीं लगी